नमस्ते। इस वीडियो श्रृंखला में खगोल विज्ञान से संबंधित संकल्पनाओं को मॉडल और एक्टिविटीज की मदद से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। खगोल विज्ञान का उद्देश्य दिशा, स्थान और समय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि दिक् देश काल ज्ञानम। दिक् माने की डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देश मतलब प्लेस और जगह। लॉन्जिट्यूड या लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। और काल मतलब टाइम या समय। वर्ष, महीना, तिथि, घंटे और सेकंड। जानते हैं दिशा कैसे प्राप्त करें इस गतिविधि के माध्यम से। सूरज पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन हर दिन सूरज एक ही स्थान पर नहीं उगता। तो फिर हम सही पूर्व दिशा कैसे पता कर सकते हैं? सुई और पिन की मदद से हम किसी भी स्थान पर चारों दिशाएं तय कर सकते हैं। इस गतिविधि के लिए जरूरी है कि जमीन समतल हो। पुणे में स्थानीय समय अनुसार सुबह के 10 बजे है। लोकेशन 18.5 डिग्रीज उत्तर में और 73.8 डिग्रीज पूरब में। कोरूगेटेड शीट के ऊपर एक सुई को सीधी स्थिति में रखेंगे। हम छाया की नोक पर एक पिन लगाते हैं। इसी प्रकार 30 मिनट के अंतराल के बाद और दो पिन लगाएंगे। अब हम पिन को हटाते हैं और तीनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ लेते हैं। रेखा का यह सिरा पूर्व दिशा की ओर है और यह सिरा पश्चिम की ओर। कुछ सरल ज्यामिति के साथ हम इस रेखा पर एक लंबवत बनाएं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सिरा किस ओर इशारा कर रहा है? क्या यह तरीका 100% सटीक है? जरूरी नहीं, क्योंकि दिन के दौरान सूर्य का झुकाव बदलता है यानी डिक्लिनेशन। यह सटीक पूर्व पश्चिम रेखा नहीं हो सकती। साल में केवल दो ही दिन 22 दिसंबर और 22 जून को ये रेखा सही मायने में पूर्व पश्चिम रेखा कहलाएगी। इन दिनों में दिन के दौरान झुकाव में परिवर्तन नगण्य होता है। प्राचीन खगोल विज्ञान से संबंधित पाठ सूर्य सिद्धांत में अधिक सटीक तरीकों का वर्णन किया गया है। हम अगले वीडियो में इन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।